हेलो एवरीवन, मैं मानसी भिनोट आप सभी के साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आज हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। पहले तो आपको यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, फिर जो है आप इसको देख सकते हैं कि किस पे टच करेगा। तो देखिए, जब भी आपका ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, ये आपका प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब सिस्टम जो है प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी भी साथ साथ बढ़ रही है, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक सिस्टम होता है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सिस्टम। जैसे जैसे ये नीचे और आते हैं, ये वाली जो लाइन होती है एकदम सीधी वाली लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जब आपका प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन जो है एकदम यहाँ पे सेंटर में होता है। दिस इज योर यूनिट इलास्टिक सिस्टम। ओके, यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपकी क्वांटिटी में भी चेंज होगा, और क्वांटिटी में अगर चेंज हुआ तो प्राइस में भी चेंज होगा। तो ये आपका पॉइंट यहाँ होता है। जितना आपका पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ इधर की साइड हो, ये आपका इन इलास्टिक सिस्टम होता है। इन इलास्टिक मतलब प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएशन जो है वो बराबर रूप से ना होना। तो यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच बोथ दी एक्सिस, नीदर ऑफ दी एक्सिस, ओनली प्राइस एक्सिस या कोई ओनली क्वांटिटी एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये आपका यूनिट प्राइस इलास्टिक कर्व जो है ना, ये प्राइस एक्सिस से ना ये क्वांटिटी के एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से ये टच नहीं होता। आंसर इज नीदर। इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट का एक प्रिंसिपल फॉलो करता है। आपको बताना है कि ये क्या प्रिंसिपल है। देखिए, नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि हमारा जो नेशन है, जब न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारी ये पॉलिसी थी कि हम किसी भी पावर यूएस या फिर यूएसएसआर किसी भी तरह हम अलाइंड नहीं थे, ठीक है। वी वर न्यूट्रल, जो मेजर पावर ब्लॉक्स थे उनकी तरफ हम न्यूट्रल थे। तो ये था न्यूट्रैलिटी टूवर्ड्स मेजर पावर ब्लॉक्स, जो सुपर पावर्स उस समय की थी। इफ दी सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, जब भी सप्लाई कर्व जो होती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, वो अगर स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होती हुई, तो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की क्या होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। यूनिटी से कम, इनफाइनाइटली लार्ज, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। तो आपको इसमें से बतानी है कि जो सप्लाई कर्व है अगर वो सीधी रेखा है तो वो किस तरह से जाएगी, कैसे जाएगी। देखिए, आपको यहां पे एक टेबल से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूं, आपको बेटर समझ आएगा। यहां पे ओके, तो यहां पे देखिए इलास्टिसिटी की बात की जाए, ओके, उसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं और उसका किस तरह से सप्लाई पे असर होगा वो देख लेते हैं। जब भी इलास्टिसिटी जीरो है, दैट मींस परफेक्टली, अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, परफेक्टली जो है आपका सिस्टम जो है इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगी। फिर आती है जीरो से वन के बीच में है तो इन इलास्टिक, उसके बाद बात आती है वन से ग्रेटर तो होगा आपका इलास्टिक, इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये सारा आपका इसमें सिस्टम होगा।
Okay. ओके ऑडिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत थी, अब देखिए यहां पे क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, उसके हिसाब से आपको बताना है रेंट का इसके साथ क्या रिलेशन है. कैपिटल ओनली, एनी फैक्टर, लेबर ओनली, लैंड ओनली. तो देखिए रेंट थ्योरी जो मॉडर्न रेंट थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है, केवल लैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पैरामीटर्स इसके साथ जुड़े होते हैं. और फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आसपास लेबर अवेलेबल है कि नहीं, कैपिटल आसपास कोई देने वाला है कि नहीं, वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, ये सभी चीज़ें जो है लैंड के साथ डिपेंड करता है. ये है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. ठीक है, आप मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट के पास घर लेते हैं, मार्केट के पास घर लेते हैं, वहाँ के रेंट्स की कीमत अलग होती है. यही आप शहर के बाहर घर लेते हैं या और किसी जगह लेते हैं, वहाँ रेंट की कीमतों में अलग होता है डिफरेंस. तो यानी ये क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है किसी भी कारक को डिपेंड करती है, ऑल द फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. बिल्कुल ठीक, एनी फैक्टर. द बुक विच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाय, तो ये बुक आपको बतानी है सेंटर पीस जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो लिखा गया है उसको क्या कहा गया है. ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है प्रोफेसर जे एम केन्स के द्वारा. ओके, प्रोफेसर जे एम किन्स के द्वारा इस बुक को जो है लिखा गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक प्रॉब्लम जो स्टडी की जाती है वो क्या होती है. आय का उत्पादन, आय का उपयोग, आय का प्रवाह, आय का वितरण. तो इसका मेन कारण क्या होता है, इसमें डिस्कस किया जो जाता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट की इंटरेस्ट और उसका मनी का डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूसेज ऑफ इनकम इसमें डिस्कस किया जाता है. द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं वो कितने शामिल किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है. तो देखिए कितने सब्जेक्ट्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं, टोटल 100 आइटम्स हैं. ओके, इन 100 आइटम्स को 97 की कैटेगरी में डाला गया है. ये है लिस्ट वन. ओके, लिस्ट वन की ये कैटेगरी है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. ओके, सो अब देखिए यहां पे लिस्ट वन में 97 सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं फ्रेंच गवर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी जिन्होंने फ्रेंच कंपनी को बहुत पावरफुल बनाने में मदद की. तो कौन से हैं, देखिए इनके नाम में जो है फ्रांस शब्द आपको देखने को मिलेगा, दैट इज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स. इनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे प्रोसेस में, फ्रेंच कंपनी को एक पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इन्होंने उभारा. एंड फ्रेंच जो है 12 अक्टूबर को 1754 में जो है इन्होंने पूरा जो है ये एम्बार्कमेंट कर दी थी. आंसर इज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स. मोस्ट पावरफुल पेशवा, पेशवा आपको पता है मराठास एम्परर्स जब थे, तो पेशवाज आपको इसमें से बताना है सबसे पावरफुल अपने टाइम पीरियड के कौन रहे. देखिए जब भी हम किसी पावरफुल किंगडम किंग की बात करें, रूलर की बात करते हैं, तो दैट मींस क्या होता है कि उन्होंने ज़्यादा एरिया जो है बिना किसी दिक्कत के कॉन्क्वायर किया होगा.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से पेशवा ऐसे हैं, बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो है इसका करेक्ट आंसर है, बालाजी बाजीराव वन। ओके, क्योंकि इन्होंने जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है, मालवा जिसको बोलते हैं, जो राजस्थान साइड का एरिया था, राजपूताना, ओके, इसके अलावा कौन सा एरिया है, अपनी डोमिनियन जो है इन्होंने गुजरात तक जो है एक्सटेंड कर रखी थी। तो आप देख सकते हैं एरिया कितना एक्सटेंडेड था। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा डेक्कन तक का पार्ट इन्होंने अपने अंडर कर रखा था, ठीक है। इवन मुगल्स जो हैं दिल्ली में, तब 1738 में इन्होंने वहां पे भी रेड की थी। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो है वर्चस्व कितना ज्यादा था, बालाजी बाजी राव। ओके, बालाजी बाजीराव इसका करेक्ट आंसर है, ओनली बाजीराव। ओके, ओनली बाजीराव जो है इसका करेक्ट आंसर है, बाजीराव। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये आपको बताना है इसमें से क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, जब लोकतंत्र में साधनों के माध्यम से पूरे समाज की सेवा की जा सके, उसको जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। यानी डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ जो समाज का उत्थान भी किया जा सके। टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, रशिया, यूएसए, इंडिया, फ्रांस। तो टू पार्टी सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे मेजर रूप से दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये होता है टू पार्टी सिस्टम। कहाँ पे होती है इस तरह की गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसए, यूएसए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, यानी क्या होता है, एक तो पार्टी है जो रूल कर रही है, दूसरी जो है इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी भी दो पार्टीज को बिलोंग कर सकते हैं, जो ऑफिशियल्स इलेक्ट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो किन के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री अध्यक्ष। तो किसके द्वारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल नंबर 124 के तहत की जाती है। What are the folds found in the mucus lining of the empty stomach? जब आपका पेट खाली होता है उस समय mucus lining आपको बतानी किस तरह की इसमें होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए mucus lining जो होती है बेसिकली क्या होता है, रिंकल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, गैस्ट्रिक फोल्ड्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिक फोल्ड्स भी इसको कहा जाता है। इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, मान लीजिए आप ज़्यादा खाना खा लें तो ये जो है अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट करके इकट्ठा भी हो सकता है। इस तरह की लेयर्स म्यूकस मेम्ब्रेन में होती हैं हमारे स्टमक में। इसको क्या बोलते हैं, रगी बोलते हैं, झुर्रियाँ जो होती हैं, ठीक है। हमारे फूड को ग्रिप करना है, फूड को आगे जो है डाइजेशन के समय मूव करवाना है, सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से की जाती हैं। फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली, 1767 से 69 के बीच में जो वॉर था उसके अंत में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, मद्रास, मैसूर या फिर एक्सला चपेल का ट्रीटी साइन हुआ था। हाँ जी, इट विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देखिए विलाय जो है वो आपका स्टमक में नहीं होता, ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। विलाय कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक। सो ये आपको फर्स्ट मैसूर वॉर के बारे में बताना है जो इन दोनों के बीच में लड़ा गया, ये कहाँ पे हुआ था। देखिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं 1773 में। और ये ट्रीटी जो मद्रास की साइन की गई थी, ये ट्रीटी साइन की गई थी 1769 में, ओके, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है ये ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी है ये, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ओके, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है इसका करेक्ट आंसर है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773। वो एक्ट का नाम क्या था, जो एक्ट आया था दैट वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था,
इसके तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी, एक जो कॉमर्शियल वे में काम करती थी और एक पॉलिटिकल रूप में काम करी थी, तो वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को स्थापित किया गया था और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी जो है उसके अंडर आ गई थी। बिल्कुल ठीक, ओके। हाँ, नाम यहाँ पे एक व्यक्ति का आपको ध्यान में रखना है, हेस्टिंग। ओके, सो वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको नियुक्त किया गया था। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, किस बैटल में हुमायूं को शेरशाह द्वारा हराया गया था। बहुत प्रसिद्ध बैटल है ये। कौन सा बैटल है, देखिए, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा जो है इस कब लड़ा गया, ये था जून 26, 1539। तो बैटल ऑफ चौसा जो है ये जब पूरी डिफीट में हुमायूं की इतनी बड़ी हार हुई थी कि ये जो है वापिस चले गए थे। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 AD। आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंगस्ट द गिवन सॉइल्स। हाँ जी, कैलकटा कोर्ट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उस समय कैलकटा कोर्ट की स्थापना की गई थी एंड दैट वाज नॉट इन 1773, वो 1774 में सेटअप हुई थी। पूरी कोर्ट जो सेटअप की गई, लागू करवाया गया, 1774 में हुआ था वो। ओके, सो आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल सॉइल, इसमें से बतानी है कौन सी है, तो वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा इनफर्टाइल सॉइल है, यानी कि इसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे कम है। और क्रॉप प्रोडक्शन की बात की जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम है। स्पॉट द ऑटम, इसमें से आपको वो चीज़ पहचानी है जो कि अलग है, शेल, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। देखिए, बहुत बार जो है कन्फ्यूजन होता है, मेटामॉर्फिक कौन सा है, सेडिमेंट्री कौन सा है ना। तो आपको एक सीधी सी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन सभी जो है एस वाले हैं। ये तीनों जो है सेडिमेंट्री रॉक्स से जुड़े हैं। ठीक है, कौन कौन से, शेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। लेकिन अगर आप बात करें मार्बल की, मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक है। आप इस वर्ड में सिमिलैरिटी देख सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रट्टा लगाइए, लेकिन कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा जब कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको इन केस यूज़ करना पड़े तो आप इन चीज़ों को भी समझ सकें। सो इसमें से ऑड कौन सा हुआ, मार्बल जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following reasons is responsible for lack of vegetation in deserts? आपने देखा है desert area जो होता है वहाँ फसल नहीं हो पाती, पौधे नहीं लग पाते, घास नहीं लग पाते, कुछ तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें कमी होती है। क्या होता है, lack of rainfall, high temperature, absence of dehorizon in the soil, heavy volume of sand। तो किस कारण से vegetation जो है कम होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। बताइए कौन सा जो रीजन है इसमें से रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लैक ऑफ रेनफॉल। हाँ जी, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, लैक ऑफ रेनफॉल इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं किया। नॉट वाला आपको ध्यान से देखना है, नॉट वाला आपको इसमें से चूज करके बताना है कौन सा है। तो देखिए सारे ऑप्शन एक बार पढ़िए पहले, खादर जोनल सॉइल, पोर्टजोइल जो है जोनल सॉइल, चेस्टनट जोनल सॉइल, भांगर एजोनॉइड सॉइल। तो कौन सा देखिए इसमें से नॉट करेक्ट आपको बताना है कौन सा। देखिए एल्यूविलियन सॉइल होती है ये, खादर और भांगर जो है ना, ये दोनों जो सॉइल्स हैं एजोनॉइड होती है। यहाँ पे क्या दे दिया है, जोनल दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एजोनॉइड सॉइल। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको सिरोको स्ट्रॉन्ग की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में जो है ये फ्लो करता है। देखिए आपको थोड़ा सा बेसिक अगर ध्यान हो, ये जो विंड्स हैं ये सहारा से मेडिटेरेनियन वाली तरफ होते हुए सदर्न यूरोप की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, यह यूरोप है, ओके, बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है और नीचे जो है आपका अफ्रीका है। तो ये जो डेवलप होती हैं सिरोको, गर्म हवाएं होती हैं ये गर्म हवाएं जो हैं, ट्रॉपिकल एयर है, बिल्कुल ड्राई एयर है, बहुत सूखा कर देती हैं, ये हवाएं ऊपर की तरफ साउथ यूरोप की तरफ जाती हैं, तो सहारा से मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाती हैं।
which among the following is an abiotic factor? इसमें से कौन सा जो है एक abiotic factor है? Mites तो देखिए जो भी चीज में लाइफ है वो biotic होती है. मॉइस्चर, इंसेक्ट, रोडेंट. तो मॉइस्चर हुआ, एयर हुआ. इसको सिंपल तरीके में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो स्वैट से आप इसको याद कर सकते हैं. स्वैट्स क्या होता है? सॉइल, डब्ल्यू से वाटर, ए से एयर, टी से आपका टेम्परेचर, एस से आपका है सॉइल हो गया, सनलाइट ले लीजिए यहाँ पे. ओके, सो ये होता है स्वैट्स. ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं दीज आर दी अबायोटिक फैक्टर्स. इसके अलावा बाकी सभी जो चीजें हैं जिसमें लाइफ है दैट आर लिविंग. लीव्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग. ये आपको बता रहे हैं लीव्स में जो कैपेबिलिटी होती है फोल्डिंग करने की, अनफोल्डिंग करने की, वो आपको बतानी है किसके कारण होती है. आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे, छुई मुई का पौधा होता है, बहुत सारे इस तरह के पौधे होते हैं जो कि टच करने पे फोल्ड हो जाते हैं. तो वो किसके कारण होता है? इसमें ये होता है उनके पास बुली फॉर्म के कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं. किस तरह के सेल्स होते हैं? एपिडर्मल. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ये मौजूद होते हैं उनके अपर पार्ट में. ठीक है, जैसे ही आप उनके टिप को टच करते हैं तो वो रोल होते होते इकट्ठे हो जाते हैं. इससे क्या होता है? पानी का लॉस भी वो रोक पाते हैं. ठीक है, पत्ते जब इकट्ठे होकर रहेंगे ज़्यादा एरिया उनका एक्सपोज नहीं होगा, तो जब ज़्यादा एरिया उनका एक्सपोज नहीं होगा तो पानी लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो होता है वो भी उनका कम हो जाता है. फेलूरा, ये आपको फेलूरा बताना है. फेलूरा आपको बताना है ये किस चीज की कवरिंग है? लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट. तो ये आपको बताना है किस चीज की जो है कवरिंग है. तो देखिए किस चीज की कवरिंग है. इसको एक्चुअली फेलूरी लार्ज भी कहा जाता है. ये एक थिन तरह का टिश्यू होता है हमारे लंग्स के बाहर ये पाया जाता है. बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है. इसमें मेम्ब्रेन भी होती है, सेरस मेम्ब्रेन. ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है ताकि ये जो होती है तभी हमें नजर आती है. ये जो मेम्ब्रेन ल्यूरा नाम की जो मेम्ब्रेन है ये तभी नजर आती है जब भी कोई अबनॉर्मल कंडीशन होती है. आमतौर पर अगर आप देखेंगे लंग्स को तो ये मेम्ब्रेन नजर नहीं आती. Which one of the following is an egg-laying mammal? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है. मैमल की बात की जा रही है, साथ में एग लेइंग की बात की गई है. तो कौन सा है? देखिए इस पे कार्टून भी आता है कार्टून नेटवर्क पे, प्लेटिपस का. तो डक बाइल्ड प्लेटिपस जो है ये इकलौता एग लेइंग मैमल है. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना. ये कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है. तो आपको लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए कहाँ पे वो एनिमल जो है पाया जाता है. ओनली मैमल है जो कि एग ले करता है. आपको पता है मैमल्स जो है एग ले नहीं करते, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. लेकिन ये प्लेटिपस जो है इकलौता ऐसा मैमल है जो कि एग लेइंग है. मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल में आने वाला मॉडरेटर इसमें से कौन सा है? दैट इज, देखिए ये सब क्या है? ये तो फ्यूल है ना उसका, रेडियम, गैलियम, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है? ये मॉडरेटर रिएक्टर की तरह यूज होता है. एक कमी है इसमें, क्या? ग्रेफाइट को आप ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? ग्रेफाइट जो है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, इससे सिस्टम की, रिएक्टर की एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो ग्रेफाइट एक अच्छा मॉडरेटर है लेकिन उसको हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता. सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, ये कब लगता है? तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए. तो ठीक है, ऑप्शंस में देखिए, मून जो है जब सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो हम कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स लगा है. ऐसे ही चंद्र ग्रहण भी लगता है. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है. इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डाटा लॉजिक.
उसको क्या बोलते हैं, जो इनपुट आउटपुट का कंट्रोलर। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप मेरा लेक्चर मान लीजिए देख रहे हैं, आपका इनपुट और आउटपुट डाटा ढंग से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, उस केस में क्या होगा, आपको एक वो गोल चक्रा घूमता नजर आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज बफरिंग, है ना। तो वो किस तरह की, जब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर में अगर बफरिंग की प्रॉब्लम हो, उसको क्या कहा जाता है, सिंपल बफरिंग। बिल्कुल ठीक। What does BIOS stand for? BIOS क्या होता है ये? ये होता है Basic Input Output System. Okay? The device used to convert solar energy into electricity. उसको क्या कहा जाता है? Photovoltaic cell. देखिए अब तो है बहुत जगह compulsory हो गया है कि कितने जो domestic houses हैं, residential areas हैं, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अगर आपके पास एरिया अवेलेबल है तो आपको पैनल्स, सोलर पैनल्स लगाने अनिवार्य हो गए हैं। इवन अगर आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, यानी आपका खेत जो है बंजर किस्म का है, तब भी जो है सरकार द्वारा ये अब रूल आ चुका है कि आप सोलर पैनल्स लगाएं। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सोलर एनर्जी जो है किससे कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, फोटोवोल्टेइक सेल से। टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में किस तरह की किडनीज जो है वो प्रेजेंट होती है, तो फ्रॉग्स में मेसेनोफ्रॉन्स नाम की जो किडनीज होती हैं ये पाई जाती हैं। स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार को क्या कहा जाता है, व्हाइट ड्रॉफ, ब्लैक होल, पल्सर, कैसर। तो आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, बहुत फेमस बाइक है इसके नाम पर, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर, दैट इज पल्सर। ओके, जेट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्पीड ऑफ लाइट से जो चलती है, ठीक है, उसको, ये जो पावरफुल बीम ऑफ लाइट होती है उसको कहते हैं पल्सर। अब आप सोच सकते हैं पल्सर जो बाइक्स हैं उनका नाम पल्सर किस बेसिस पे रखा गया है। लाइट ईयर, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन देने का बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लाइट ईयर, जिन लोगों ने स्टडी अच्छे से नहीं की होती तो वो अक्सर लाइट मार्क करके आ जाते हैं, तो इस चीज को बचाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो एलिमिनेट हो सके। ओके, सो लाइट ईयर क्या है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, किसके बराबर होती है, 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है वन लाइट ईयर, 10 ट्रिलियन किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। सो ये लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस के बराबर है। ओके, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, प्लास्टर ऑफ पैरिस बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताना है, जब बोन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है, केमिकल है, उसका आपको नाम यहाँ देखना है, कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड। तो कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, कैल्शियम सल्फेट। ओके, सो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ये तैयार होता है, जिप्सम से इसको तैयार किया जाता है। इन आर कंट्री वन महोत्सव डे कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो वन महोत्सव डे क्या है, ये एक ट्री प्लांटिंग डे है, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है, पूरे एक हफ्ते के लिए इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसको मनाया जाता है। तो ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुई ये 1950 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, जब उस समय जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, कुलपति डॉक्टर के एम मुंशी, ओके, डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो अब ये कब मनाया जाता है, आंसर इज डी, फर्स्ट ऑफ जुलाई, आप यहाँ पे मार्क करना है, डे पूछा है, ठीक है, वीक पूछा जाता तो पूरा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन क्विनीन आपने सुना होगा, बहुत इंडिया में तो प्राचीन टाइम से जो है इलाज में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये आपको बताना है किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है।
चारों प्लांट्स आपके सामने हैं, तो कुनीन जो है, ज़्यादातर मलेरिया के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कुनीन की जो टेबलेट्स होती हैं सिंकोना प्लांट से इसको लिया जाता है। देखिए इसकी खासियत क्या है, ये एक तरह का क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड है जो कि एंटीपायरेटिक के रूप में काम करता है। एंटीपायरेटिक का क्या मतलब होता है, यानी मान लीजिए बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, तो कुनीन जो है एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने में काम आता है। एंटी मलेरियल यानी अगर मान लीजिए मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया है अगर आपको, तब भी ये काम आता है। इसके अलावा एनर्जेसिक के रूप में भी काम आता है, एनर्जेसिक मीन्स एनर्जेसिक होता है पेन किलर के रूप में भी ये काम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी मान लीजिए सूजन वगैरह अगर आ जाए तब भी ये कुनीन की टेबलेट्स जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। क्लियर, अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो रिपीट लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करें कि कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। द अपरेटस यूज्ड टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज, वो अपरेटस आपको यहां पे बताना है जो कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के टेस्ट एसिडिटी को करने में काम आता है। तो एसिडिटी किससे देखते हैं, पीएच मीटर से, ठीक है। पीएच मीटर से चेक किया जाता है कि सिस्टम जो है वो कितना एसिडिक है। हटी गोल्ड माइंस जो है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो हटी गोल्ड माइंस जो है ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कर्नाटका में। एक खास बात इसकी क्या है, ये हटी गोल्ड माइंस जो है ये बहुत ही पुराने टाइम की मेटल माइंस हैं, जो कि अगर आप बात की जाए प्री अशोकन टाइम पीरियड से ये माइंस जो हैं एक्टिव हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने साल, कितने वर्ष पुरानी ये हट्टी गोल्ड माइंस हैं। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, इंग्लिश एजुकेशन आपको बताना है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। सो ये लॉर्ड मैकले द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स जो हैं किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। दो तरह की पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फूल से दूसरे फूल होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में खुद ही फूल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, एंथर से जो मेल पार्ट होता है, एंथर से जब स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। और जब ये पॉलिनेशन हो जाती है तब फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, एंड ये किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स में। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एंजियोस्पर्म्स में ये पाया जाता है। एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स में ही पॉलिनेशन होता है। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया, कौन सा रिवर इसमें से लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया को जो है सींचता है, गंगा, सरयू, गोदावरी, कृष्णा। अब यहाँ पे दो नाम आपको जो है ध्यान में रखने हैं। गंगा जो है सबसे लॉन्गेस्ट है हमारे इंडिया की अगर बात की जाए, और हमारा नेशनल रिवर भी है। गोदावरी की बात करें, इसको दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, और साथ में ये सेकंड नंबर पे है अगर आप टोटल फ्लो की बात इसमें की जाए, ठीक है। सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहा है लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया में कौन सा सर्व करता है, आंसर है आपका गंगा। टोटल अगर बात की जाए 47% का जो हमारा इरिगेशन है इंडिया का, वहाँ गंगा के द्वारा इरिगेशन की जाती है। टोटल अलोन 47% केवल आपका गंगा से ही दिया जाता है। द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे बिजी जो समुद्री व्यापार मार्ग है वो इनमें से कौन सा है, दैट इज द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है सबसे बिजिएस्ट रूट है। Who was the first women chief minister of India? ये question बहुत बार exams में आ चुका है, और ना केवल इस रूप में, इसका एक और version भी है, Who was the chief minister of UP?
विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, आंसर है सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी जो है फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, शब्द आपको ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहली यूपी की ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। ओके, कब से कब तक? 1963 से लेके 1967 में उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। When did the Soviet Union disintegrate into 15 independent republic? USSR था, ठीक है, दो major world powers थी, USA and USSR, ठीक है, तो ये जो है Soviet Union, इस ये कब जो है विघटित हुआ था, वो year आपको बताना है, 1991 में 15 independent republics में ये बट गई थी। Who said patriotism is religion and religion is love for India? ये statement आपको बतानी है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। ये statement इनमें से किसके द्वारा दी गई? ये दी गई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। The color of the eye depends upon the pigment present in, हमारी आंखों का जो color होता है वो किसके कारण होता है? Cornea, आईरीज, रॉड्स या फिर कोन्स, किसके कारण? जो रंग आप देखते हैं, काली आंखें, हरी आंखें, भूरी आंखें, ये कलर्स जो होते हैं किसके कारण होते हैं? ये होते हैं एरीज के कारण। ओके, जो बायोमेट्रिक्स में आईज में आइडेंटिफिकेशन की जाती है वो भी हमारी एरीज से ही आईज में डिटेक्शन की जाती है। सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, सी वाटर बहुत ही खारा पानी होता है, वो पानी आपको बताना है किस प्रोसेस से उसको प्योरीफाई किया जा सकता है, तो वो हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। व्हाई डिस्टिलेशन? देखिए, मिनरल्स, अगर सी वाटर की बात की जाए, अलग अलग तरह के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स के लिए अलग अलग डेंसिटी पे वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि पानी में नमक है, उबाल लीजिए, नीचे नमक रह जाएगा। पर क्या सी वाटर के लिए ये लागू हम करेंगे? नहीं, अलग अलग तरह के मिनरल है, एक अकेला मिनरल थोड़ी है कि ऐसे उबाल और अलग कर दिया, नो। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हर एक सब्सटेंस, हर एक मिनरल जो है अपनी अपनी डिस्टिलेशन के हिसाब से अलग होगा। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन, इसमें से कौन सी जो है एक तरह की वैक्सीन नहीं है? देखिए, ये वो वैक्सीनेशन है इसमें से मोस्टली जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाती है, जैसे कि BCG, फिर है एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन, चौथा देखिए प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज नॉट अ वैक्सीन, इट्स अ हार्मोन, है ना? सो आंसर आपका हो गया डी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होती है इसको ज्यादातर आपने देखा होगा कि इसको किसी चीज के अंदर रखा जाता है। किस चीज के अंदर रखा जाता है व्हाइट फॉस्फोरस को? बेंजीन, कैरोसिन, ईथर, वॉटर। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में स्टोर करते हैं तो आपको एक पहली बात जो ध्यान रखनी होती है कि वो उस चीज़ में स्टोर की जाती है जिसमें कि वो रिएक्ट ना करे। देखिए, अगर रिएक्ट करगी वो तो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी, तो उसमें स्टोर करने का तो फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो आपको भी यहाँ पर देखना है वाइट फॉस्फोरस इसमें से जिसके साथ रिएक्ट नहीं करती उसके अंदर इसको रखा जाएगा। तो ये किस में रिएक्ट नहीं करती वाइट फॉस्फोरस? दैट इज़ वॉटर। ऑल्दो वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सब चीज़ें इसमें घुल जाती हैं, लेकिन वाइट फॉस्फोरस, बेंजीन, कैरोसिन, ईथर सभी में घुल जाती है, पानी में नहीं घुलती, पानी में ये रिएक्ट नहीं करती। विच ब्रीड ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात? ब्रीड बफेलोस की ब्रीड अलग अलग है, तो कौन सी साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है? वो है सूरती। सूरती जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है गुजरात का, वहां पे ये पाई जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।